प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा। जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, इतिहास साक्षी है, उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं। सामने कितनी भी बड़ी चुनौती हो, लेकिन देश की रक्षा के लिए भारत के सैनिक अपनी जान की बाजी लगाने से कभी पीछे नहीं हटते। 40 करोड़ देशवासियों पर कोई आंच ना आए, लेकिन सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाली और अग्निवीरों पर झूठ फैलाने वाली कांग्रेस देशभक्ति के इस जज्बे नहीं पाएगी। कांग्रेस की फेक फैक्ट्री चलाने वाले राहुल गांधी को शायद ये पता नहीं है कि जवानों की वीरता का सम्मान करते हुए राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा अग्निवीरों के लिए दिया जाएगा, जिसमें शामिल हैं शहीद अग्निवीर की पत्नी को 25 लाख नगद, 25 बीघा नहरी जमीन या MIG का मकान, पत्नी या बच्चों के लिए सरकारी नौकरी, फ्री शिक्षा और स्कॉलरशिप, शहीद अग्निवीर के माता पिता को 5 लाख रुपए की FD, शहीद अग्निवीर के परिवार जनों को रोड बेस में फ्री यात्रा, शहीद की पत्नी को हर महीने 5,000 की सम्मान राशि और अविवाहित होने पर ये राशि शहीद जवान के माता पिता को दी जाएगी। अग्निवीर के स्थायी विकलांग होने की स्थिति में भी सरकार कार्य सुविधाएं देगी। इसके साथ शहीद अग्निवीरों को केंद्र सरकार से करीब 1 करोड़ की सहायता अलग से दी जाएगी। सेना से रिटायर होने के बाद अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित कर सरकार ने सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज और असम राइफल्स में भी अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया है और करीब 9.5 लाख पदों को भरने की मंजूरी भी दी जा चुकी है। राज्य सरकारों द्वारा भी पुलिस और अन्य विभागों में अग्निवीरों को नौकरी में प्राथमिकता दी जा रही है, जिनमें शामिल है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश। देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले अग्निवीरों के प्रति भाजपा की सरकारें अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं।